और चलिए बात उस इतिहास की जो गलत पढ़ाया गया। फरवरी 2016 में जब देश की सबसे सम्मानजनक माने जाने वाली यूनिवर्सिटी जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े गैंग के नारे लगे तो पूरा देश सन रह गया। लोगों की जुबान पर बस एक ही सवाल था कि किसी देश की एक यूनिवर्सिटी में उसी देश के टुकड़े करने के नारे कैसे लग सकते हैं। दरअसल हिंदुस्तान में वामपंथ की बुनियाद ही इस देश के कई टुकड़े करने की सोच के साथ पड़ी है। इसलिए जेएनयू के वामपंथी छात्रों ने अगर ये नारा लगाया तो वह अपने पिता माओ के सपने को पूरा कर रहे थे। आज हम आपको बताएंगे कि आजादी के पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कैसे भारत के विभाजन के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाया था। वामपंथी इतिहासकारों ने हिंदुस्तान के प्रामाणिक और गौरवशाली इतिहास का सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क किया है। आजादी के बाद हिंदुस्तान के इतिहास लेखन पर वामपंथी लॉबी का एक छत्र कब्जा रहा और इस लॉबी ने सनातन संस्कृति और उसके अतीत को बदनाम करने का खुला खेल फरुखाबादी खेला। ऐसे में वक्त आ गया है कि इन वामपंथियों का इतिहास भी जान लिया जाए। दरअसल साल 1917 में रूस में जार युग के खात्मे के बाद भारत में वामपंथ की बुनियाद पड़ी। जार युग की समाप्ति के बाद दुनिया भर में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के बैनर तले वामपंथियों की जमात तैयार होने लगी। एमएन रॉय नाम के एक शख्स इसी दौरान मैक्सिको और अमेरिका होते हुए रूस पहुंचे और वहां जार शासन को उखाड़ फेंकने वाले लेनिन के शरणागत हो गए। एमएन रॉय ने रूस से मिलने वाले पैसों के दम पर तब भारत में अपने कम्युनिस्ट गुर्गे खड़े किए, जिनका काम आंदोलन करना, नारेबाजी करना और वामपंथ के विचार को हिंदुस्तान में फैलाना था। रूस में बैठे एमएन रॉय के कम्युनिस्ट गुर्गे तब भारत से इस बात की रिपोर्ट भेजते थे कि यहां पर वामपंथ की विचारधारा कितनी फैल रही है। इसी के बाद लेनिन के आशीर्वाद से रूस में बैठकर ही एमएन रॉय ने एक संगठन बनाया जिसे नाम दिया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अपनी स्थापना के समय से ही भारत को कई टुकड़ों में बांटने की मुहिम में लग गई। सीपीआई ने द्विराष्ट्र के सिद्धांत का दिल खोलकर समर्थन किया। ईएमएस नंबूदरी पाद और एके गोपालन जैसे तत्कालीन सीपीआई नेताओं ने पाकिस्तान के समर्थन में जुलूस निकालना शुरू किया, जिसमें वो खुद पाकिस्तान जिंदाबाद और मुपलिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे। पाकिस्तान फ्रॉम जिन्ना टू जिहाद नाम की किताब में एक वामपंथी नेता ख्वाजा अहमद अब्बास के हवाले से सीपीआई नेताओं की कलई खोली गई है। एसके दत्ता और राजीव शर्मा द्वारा लिखी गई किताब पाकिस्तान फ्रॉम जिन्ना टू जिहाद के पेज नंबर 18 पर ख्वाजा अहमद अब्बास के हवाले से लिखा गया है, सीपीआई ने भारत को मार डाला था क्योंकि इन्होंने मुस्लिम अलगाववादियों को वैचारिक आधार प्रदान किया था। दिलचस्प ये है कि जिन मुस्लिमों ने वामपंथियों के बहकावे में आकर पाकिस्तान का समर्थन किया, बाद में पाकिस्तान को लेकर उनका अनुभव काफी खराब रहा। हामिद दलवाई ने अपनी किताब मुस्लिम पॉलिटिक्स इन इंडिया के पेज नंबर 58 पर लिखा है, डॉक्टर अशरफ और सज्जाद जहीर जो कम्युनिस्ट आंदोलन को गति देने के लिए भारत से पाकिस्तान गए थे, सीधे जेल में डाल दिए गए। उन्हें जेल से निकलने में 10 साल लग गए और निकलने के बाद वो चुपचाप भारत लौट आए। मतलब ये है कि जिन वामपंथियों ने लाल लंगोट बांध कर अलग देश के रूप में पाकिस्तान का समर्थन किया, वे उसी पाकिस्तान में वामपंथ का बीज डालने तक का साहस नहीं जुटा पाए। लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों वाले भारत में ये आज भी इसके और टुकड़े कराने की मुहिम में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बारी है देखो जी हिंदुस्तान जीतो इनाम की। हमारा आज का सवाल है, राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन थे? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी जयशंकर प्रसाद या डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जवाब देने के लिए जी हिंदुस्तान का ऐप डाउनलोड कीजिए, देखो जी हिंदुस्तान जीतो इनाम का बटन दबाइए, सही जवाब दीजिए और LED टीवी जीतने का मौका पाइए। आप अपने जवाब हमें रात 12 बजे तक ही भेज सकते हैं। आज के विजेता का ऐलान कल रात 8 बजे वंदे मातरम शो में किया जाएगा।